फिरोजाबाद के थाना टूंडला क्षेत्र के गांव नगला खार इलाके में हुई किशोरी की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को मक्खनपुर बाईपास से अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल के बाद भेजा जेल। मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे फिरोजाबाद SP सर्वेश कुमार ने नगला खार इलाके में किशोरी हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे सौरव, पवन और राहुल को मक्खनपुर हाईवे से गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो तीनों आरोपी ने रेप के बाद हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को मेडिकल के बाद सुसंगत धाराओं में जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 10 जून को थाना टूंडला को एक सूचना प्राप्त हुई कि चरी के खेत में एक बालिका का शव पड़ा हुआ था। उस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण वहां मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का सूक्ष्मता साथ निरीक्षण किया गया। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पर धारा 302, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें कई टीमें लगाई गई, जिसमें हमारी टूंडला पुलिस की टीम थी, साथ ही साथ SOG और सर्विलांस की भी टीम लगाई गई। इनके अथक प्रयास से घटना का अनावरण हुआ। इसमें तीन अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, जिनका नाम है पवन उर्फ सचिन, राहुल और सौरव। पवन और सचिन एक ही गांव के रहने वाले हैं और ये तीनों अभियुक्त थाना मटसेना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस बालिका का पहले से जो पवन है उससे उसका परिचय था और परिचय होने के साथ साथ तो 3 जून को आकर के आपस में मिले थे और उसके द्वारा उससे संबंध भी बनाया गया था तथा उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी पवन के द्वारा बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त तो उस वीडियो को पवन द्वारा सौरभ को शेयर की गई और उस शेयर की गई वीडियो के आधार पर जो सौरभ है अपने एक साथी राहुल के साथ में आया और लड़की को ब्लैकमेल करके उससे संबंध बनाने के लिए उसे बाध्य करना चाहा। जब लड़के ने प्रतिरोध किया तो उसके बाद उसके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी गई। टीम का ये बहुत अच्छा प्रयास रहा कि उन्होंने एक घटना का सही अनावरण किया है और इसके लिए इस पूरी टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा।